Hey, what's up guys? I'm Amresh Kumar and keep learning with Amresh Kumar. Today we will discuss about bilinear transformation. This is the very important topic for CSIRnet, GATE, NBHM, NTIFR and also all university entrance examination for MSc Mathematics. Dear students, आज हम bilinear transformation को deeply study करेंगे कि bilinear transformation जो mapping होती है ये किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज को अपने पास रखती है. तो इस वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी एवरी ईयर नेट में सीएसआईआर नेट में पॉसिबिलिटी 90% रहती है. तो आप अगर इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपका सी पार्ट में एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जो बहुत ईजी रहता है इस यूनिट 5 के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में. तो हम इसकी आज डीपली स्टडी करते हैं, ठीक है. तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा कि इसको क्यों हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. इसके कई सारे नाम हैं, जैसे कई ऑथर्स इसको लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, कई ऑथर्स इसको मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं. तो वो क्यों बोलते हैं, उन सभी का एक रीजन है पर्टिकुलर, तो हम सभी के बारे में डिस्कस करते हैं. तो वेरी फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम बात करेंगे एज अ लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन. तो मैंने लिखा है यहाँ पे लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन. तो लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है. तो फ्रैक्शन तो आप समझते होंगे कि टू नंबर्स का फ्रैक्शन, जैसे p बाई क्यू. अब वो दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उनका फ्रैक्शन जो हमारा होगा उसको हम कहेंगे लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन. अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है आपको ये भी पता होना चाहिए. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होती है उसके बारे में बता दूं मैं आपको. क्या कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी, जैसे समथिंग कॉन्स्टेंट इंटू सम वेरिएबल जेड प्लस सम कॉन्स्टेंट ए जेड प्लस बी टाइप की कोई भी मैपिंग हमारी क्या कहलाती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वेयर ए एंड बी आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट. उसमें मैं बता दूंगा आपको अभी जब लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन की हम डेफिनेशन कंप्लीट कर लेंगे. वो कहता है कि एनी फ्रैक्शन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एनी फ्रैक्शन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन any fraction of two linear transformation gives a important mapping which is called linear fractional transformation, जिसको हम कहते हैं linear fractional transformation, ठीक है. राइट इट एज, उसको ऐसे लिखा जाता है, राइट इट एज या ऑफ द फॉर्म W से हम इसको डिनोट करते हैं, W इज इक्वल टू और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर T ऑफ Z इक्वल टू क्या होगा आपका, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, ठीक है. तो देखो ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी, न्यूमरेटर में भी क्या है इस टाइप की कोई भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाती है कि ए जेड प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट. डेनोमिनेटर में भी चेक करें सिमिलर फॉर्म है सी जेड प्लस डी, वेयर सी एंड डी आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट. तो दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फ्रैक्शन क्या बनाता है बच्चों, लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन. मैं लिख देता हूं यहां पे वेयर ए बी सी डी ये सभी क्या है आपके, कोई भी कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट हो सकते हैं. और एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है इसके पास कि ऑल्सो ए डी माइनस बी सी दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, कि ए डी माइनस बी सी क्या होना चाहिए आपका, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए. इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे हम कि अगर हम ए डी माइनस बी सी को जीरो ले लें तो क्या फर्क पड़ेगा हमारी लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन पे. तो जो ये ए डी माइनस बी सी है इसको समटाइम्स हम ये भी कह देते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ द लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन. अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप कहेंगे इस फॉर्म में क्या,
कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें, ए डी माइनस बी सी, इसकी जो भी नॉन जीरो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, इसका डेटरमिनेंट कहलाएगी लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डेटरमिनेंट, डेटरमिनेंट ऑफ टी ऑफ जेड, इसको ये भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केस फर्स्ट, केस से स्टार्ट करते हैं हम, केस फर्स्ट से। तो वेरी फर्स्ट केस इसका, वेरी फर्स्ट केस क्या है हमारे पास, अगर हम सी को जीरो ले लें पर्टिकुलर, अगर सी जीरो हो जाता है हमारा, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी वो सिर्फ एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रह जाएगी। क्या, कि वेन वेन सी इक्वल टू जीरो, अगर सी जीरो है तो ये वाला फैक्टर चला गया यहां से, तो बचा क्या, a बाई डी जेड प्लस बी बाई डी, जो एग्जैक्टली किस फॉर्म का है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म का है। तो हम कहते हैं कि देन, इसको मैं नाम देता हूं वन, ठीक है, वन, देन जो वन है आपका वो क्या फॉर्म करेगा, वन फॉर्म अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म करेगा जब हम सी को जीरो कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं केस सेकंड की बात करता हूं। केस सेकंड में क्या डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहां से देखें, अगर आपका सी आपका जीरो होगा तो आपका वन क्या फॉर्म करेगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म करेगा। ठीक है, अगर मैं सी को और डी को, इन दोनों को जीरो ले लूं मैं, ठीक है, जब सी और डी आपका जीरो हो और बी को मैं सी के इक्वल ले लूं, उस केस में ये क्या बनेगा वो हमें बताना है। ठीक है, सी को और डी को आपने क्या लिया, जीरो लिया, तब तो ये क्या बन गया, एक इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट बन जाएगा, वी हैव ए और डी। ठीक है, अगेन केस सेकंड को कंसीडर करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम केस सेकंड में क्या है हमारा, कि मैं ए को और डी को जीरो ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, मैंने क्या लिया, तब देखते हैं क्या फॉर्म करेगी ये, कि व्हेन ए इक्वल टू डी इक्वल टू जीरो, मैंने ए को और डी को जीरो लिया और बी को और सी को एज अ सेम कॉन्स्टेंट लिया एंड बी इक्वल टू सी। अब आप देखें ए भी जीरो हो चुका है, डी भी जीरो हो चुका है और बी इक्वल टू क्या लिया मैंने, सी, तो ये कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो ये क्या बचेगा, वन बाई जेड फॉर्म बचेगी। देन जो tz होगा आपका, tz किस फॉर्म का होगा आपका, 1 बाई z फॉर्म का होगा, इसको हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, ये क्या फॉर्म करती है, एक इन्वर्जन फॉर्म करती है, तो उस केस में क्या बनेगी आपकी, इज इन्वर्जन, ये एक आपकी इन्वर्जन मैपिंग बन जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि अगर हम c को जीरो ले रहे हैं तो ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म कर रहे हैं, अगर हम a और d को जीरो ले रहे हैं तो हमारा, और b और c को इक्वल ले रहे हैं तो हमारी ये एक इन्वर्जन फॉर्म कर देती है। ठीक है, तो थर्ड केस में हम ये वाली डिस्कशन करेंगे अब, मेनली क्या, कि अगर हमारा ए डी माइनस बी सी अगर मैं जीरो ले लूं, उस केस में क्या आपका इफेक्ट पड़ेगा हमारी लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो मैंने लिया व्हेन व्हेन ए डी माइनस बी सी इक्वल टू जीरो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको यहां से, तो मैंने लिखा विच इंप्लाइज, ऐसे लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब आप यहां से देखें, अगर आप यहां से न्यूमरेटर से ए कॉमन ले लेते हैं तो यहां से क्या बन जाएगा, ये जेड प्लस बी बाई ए, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या बनाया है, इसको बी बाई ए वाला फ्रैक्शन एक साइड कर लेना आपने, यहां से सी कॉमन लेंगे तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा यहां पे, डी बाई सी, तो डी बाई सी वाला फ्रैक्शन एक साइड कर लेना आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो आपने क्रॉस डिवीजन की तो क्या होगा, हमने बनाना है बी बाई ए, तो आप बी के फ्रैक्शन में ए ले आए यहां से, डी के फ्रैक्शन में सी ले आए आप राइट साइड से, तो मैं इसको लिख दूंगा कि बी बाई ए इक्वल टू, बी बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डी बाई सी, बी बाई ए इक्वल टू डी बाई सी। तो वेन जब आपका बी बाई ए और डी बाई सी इक्वल होंगे तब क्या होगा डियर फ्रेंड्स, तो इसके साथ साथ देखो ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन आपको फ्रैक्शन तभी बनेगा ये जब हमारा ए भी नॉन जीरो हो और सी भी नॉन जीरो, तो पर्टिकुलर इस केस में क्या चलना चाहिए, ए भी नॉन जीरो है और आपका सी भी क्या है, सी भी आपका नॉट इक्वल टू जीरो चलना चाहिए, ए भी नॉन जीरो और आपका सी भी नॉन जीरो चलना चाहिए। अब देखो जब आप b बाई ए और
डी बाई सी को इक्वल ले लेते हैं, तो यहां से क्या बनेगा ये जेड प्लस बी बाई ए, तो देन जो टी जेड है मेरा वो क्या बन गया, अगर मैं एग्जैक्ट उस फॉर्म में लिखूं टी जेड इज इक्वल टू, मैंने यहां से ए कॉमन लिया तो ये बना जेड प्लस, ये क्या बना बी बाई ए, ठीक है, क्या कॉमन लिया हमने न्यूमरेटर से ए अपॉन, डेनोमिनेटर से मैंने सी कॉमन लिया तो ये बना आपका जेड प्लस डी बाई सी। अब देखो हमने क्या किया हुआ है, बी बाई ए को डी बाई सी को इक्वल लिया हुआ है इस केस में, जब भी बी बाई और डी बाई सी इक्वल है इट मींस ये वाला फैक्टर जो है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर वाला एक दूसरे से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद ए बाई सी विच इंप्लाइज टी जेड ऑफ द फॉर्म ए बाई सी। ए बाई सी क्या है, ए भी हमारा कोई कॉन्स्टेंट है सी भी हमारा कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या बन गई एक कॉन्स्टेंट मैपिंग बन गई, तो विच इज अ कॉन्स्टेंट, विच इज कॉन्स्टेंट, तो इस केस में क्या बन गई डिफरेंस ये एक हमारी कॉन्स्टेंट मैपिंग बन गई, ठीक है। तो हम कॉन्स्टेंट मैपिंग के बारे में हमें सभी पता है कि एज अ ये कॉन्स्टेंट मैपिंग बन चुकी है, तो जब भी आप देखो ए डी माइनस बी सी को जीरो ले लेते हैं तो एकदम से वो क्या रिफ्लेक्ट करता है यहां पे इक्वेशन वन को, एकदम से आपका उसको कॉन्स्टेंट मैपिंग में चेंज कर देता है, दैट्स वाई AD माइनस BC को हमेशा हम क्या लेंगे नॉन जीरो लेंगे, याद रखेंगे ये आप थिंग, और ये भी याद रखें कि AD माइनस B को समटाइम्स क्या बोला जाता है डिटरमिनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, अगर डिटरमिनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन आपसे पूछ ले वो लीनियर फ्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन का, तो आप AD माइनस BC जो भी वैल्यू आएगी नॉन जीरो वो उसका डिटरमिनेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम इसको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नाम हमने इसको क्यों दिया, तो देखो देखें आप अगर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नाम क्यों दिया और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नाम के लिए क्या करें आप इसको थोड़ा सा इक्वेशन वन को आप सिंप्लीफाई कर ले थोड़ी देर के लिए, इक्वेशन वन को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको भूल जाएं और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इसको डब्ल्यू बाई वन करके, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या हो जाने वाला है डियर स्टूडेंट्स मैं लिख देता हूं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से हम अगर बात करें तो ये क्या बन जाना है आपका डब्ल्यू सी जेड, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं डब्ल्यू सी जेड प्लस डी डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू और ये इक्वल टू आपका ए जेड प्लस बी, ये बन जाना डिस्टेंस आपका। अब इसको आप ऑब्जर्व करें मैंने क्या किया इसको लेफ्ट साइड लिया तो ये क्या हो गया कि विच इंप्लाइज ये मैंने लिख दिया सी को मैंने कोई अनदर कॉन्स्टेंट नाम दे दिया कह दिया ए डब्ल्यू जेड, ठीक है, और प्लस इसको मैंने नाम दे दिया थोड़ी देर के लिए बी डब्ल्यू और इसको मैं लेफ्ट साइड ले आया तो ये माइनस का हो जाएगा, मैंने इसको अनदर कॉन्स्टेंट नाम दे दिया कैपिटल सी जेड और ये आपका माइनस का बी रहेगा लेफ्ट साइड आके, तो मैंने इसको अनदर कॉन्स्टेंट नाम दे दिया प्लस कैपिटल डी इक्वल टू जीरो। अब आप इस इक्वेशन को अगर ऑब्जर्व करें तो ये क्या है विच इज लीनियर इन बोथ डब्ल्यू एंड जेड, ये डब्ल्यू में भी और जेड में भी कैसे इक्वेशन फॉर्म कर रही है एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर रही है डियर स्टूडेंट्स एक, तो ये टू वेरिएबल्स में क्या है लीनियर है, दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं इसकी और प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कशन करूंगा, वे प्रॉपर्टीज क्या है इसकी आपने सुना होगा कई बार हम इसको क्या बोल देते हैं समटाइम्स इसको हम बोल देते हैं कि ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम बात करते हैं कि इसको मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहा जाता है, ठीक है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि जो ये फर्स्ट टाइम यहां पे लिख देता हूं मैं एक बार ए डी माइनस बी सी क्या था हमारा यहाँ पे नॉन जीरो, क्या होता है कि सबसे पहले जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी किया था वो मोबियस ने किया था, ठीक है, द फर्स्ट फर्स्ट टाइम्स फर्स्ट टाइम स्टडीड बाय मोबियस, ठीक है, ये हमारे एक मैथमेटिशियन थे जो हमारे 1772-1868 तक, ठीक है, तो मोबियस जिन्हें इनको क्या किया था स्टडी किया था फर्स्ट टाइम, तो दैट्स वाई हम इसको कई बार क्या बोलते हैं मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं मैं मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी आप याद रखेंगे। अब अगर मैं इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, अगर मैं इस
मैपिंग को एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में लेके जाना चाहूं। एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको कि पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन और हम उसमें अगर इन्फिनिटी को इंक्लूड करते हैं तो हमारा वो कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या बन जाता है, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो मैं आप चाहता हूं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन है या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहें कि ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन पे किस वे में हमारी डिफाइंड हो जाएगी उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप देखो यहां से अगर आप Z को ठीक है यहां से C आप कॉमन ले लें तो Z या क्या हो जाएगा Z प्लस D बाई C, और अगर आप Z को पर्टिकुलर क्या ले लें माइनस D बाई C ले लें डियर स्टूडेंट्स माइनस D बाई C, तो ये TZ क्या देगा आपको इन्फिनिटी देगा। मींस क्या कि जो मैं लिख देता हूं यहां पे कि W इज इक्वल टू T ऑफ Z इक्वल टू क्या क्या प्रॉपर्टी है इसके पास, कह रहा है कि अगर मैं Z को इफ अगर मेरा जो Z है वो हमारा माइनस डी बाई सी के इक्वल है, ठीक है Z अगर मेरा माइनस डी बाई सी के इक्वल है उस केस में हमारा TZ क्या बना रहा है। देखो Z तो हो गया माइनस डी बाई सी, तो न्यूमरेटर क्या सॉरी डेनोमिनेटर क्या हो गया जीरो, समथिंग बाई जीरो ऑलवेज क्या होता है हमारा इन्फिनिटी, तो ये हमारा इन्फिनिटी प्रोवाइड करा रहा है हमें, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अगर मैं ये पर्टिकुलर लेके चलूं, देखो यहां पे तो z इक्वल टू माइनस डी बाई सी लिया आपने, तो अगर आप पर्टिकुलर z को नॉट इक्वल टू माइनस डी बाई सी ना ले, z हमारा क्या है माइनस डी बाई सी नहीं है, और मैं z को ये भी ले लेता हूं कि z हमारा इन्फिनिटी के इक्वल भी नहीं है, तो उस केस में क्या ये मैपिंग आएगी हम देख लेते हैं। तो ये मैपिंग उस केस में हमारी क्या बना देगी एज इज एज अ लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन ही फॉर्म देगी हमें क्या कि az प्लस बी अपॉन cz प्लस d, स्टूडेंट्स ये देगी। अब एक और बात करते हैं हम कि अगर मैं पर्टिकुलर z को इन्फिनिटी ले लूं तो उस केस में क्या मैपिंग बनेगी, इफ क्योंकि हम इसको एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइन करना चाहते हैं, तो एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइन करने का मतलब कि हम इसकी डोमेन में अगर इन्फिनिटी इन्फिनिटी की प्रॉपर्टी मतलब इन्फिनिटी पे इसकी प्रॉपर्टी चेक करें तो क्या होगी, देखो आपने z के प्लेस पे इन्फिनिटी पुट किया तो ये क्या हो जाएगा a into infinity plus b infinity plus something infinity c into infinity plus d means ये भी आपका infinity, तो infinity by infinity, तो ये बन गई एक indeterminate form, और जब भी indeterminate form बनती है हमारी तो हम उस केस में क्या करते हैं L'Hospital rule लगा देते हैं। L'Hospital rule क्या कहता है कि z के respect में derivative करते हैं, सभी को पता होगा ये बिल्कुल easy सा है कि आप इसका z के respect में derivative कर देंगे, z के respect में derivative करेंगे तो क्या आएगा a प्लस ये b का डेरिवेटिव जीरो, c और d का डेरिवेटिव भी जीरो, तो ये हमारा क्या देगी a बाई सी देगी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे a बाई सी। तो अब जो ये मैपिंग है हमारी ये पूरे के पूरे एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हमने डिफाइन कर दी है, और हमने सभी केसेस चेक किए वन बाई वन कि ये हमारी या तो क्या बना रही थी आपने जो मैंने पीछे से अभी वाइप किया फर्स्ट केस अभी हमने देख लिया था ये एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरह वर्क कर रही थी, सेकंड केस में क्या कर रही थी डियर स्टूडेंट्स ये एज अ इन्वर्जन मैपिंग की तरह काम कर रही थी, और थर्ड केस में हमने डिस्कशन किया कि ए डी माइनस बी सी हम जीरो क्यों नहीं, यहाँ पे अगर ए डी माइनस बी सी को जीरो ले लें तो क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हमने चेक किया अच्छे से। तो अगर मैं और बात करूं कि जब मेरा ए और बी दोनों जीरो हो जाए, देखो ए और बी दोनों मैंने जीरो ले लिए केस फोर में, तो केस फोर में क्या किया मैंने कि व्हेन ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, ए को भी जीरो ले लिया बी को भी जीरो ले लिया, तो सबको पता है जीरो बाई समथिंग ये क्या हो जाना है एक मैपिंग हमारी जीरो हो जानी है, तो टी ऑफ जेड क्या हो जाएगा जीरो, जो अगेन एक कॉन्स्टेंट मैपिंग है, तो इस केस को भी हम अवॉइड करते हैं। तो उसके बाद मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे जब ये मैपिंग एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफाइन हो चुकी है तो इस मैपिंग के बारे में बात कर रहे हैं, देखो इस मैपिंग के बारे में जो कि एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमने डिफाइन कर दी है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये मैपिंग है ये हमारी वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो ये वाली मैपिंग जो है हमारी वन वन भी है ऑन टू भी है, और सभी को पता है अगर कोई भी लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी वन वन हो ऑन टू हो तो इट मीन्स उसका जो इनवर्स होगा मस्ट एग्जिस्ट, इसका इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम इसका इनवर्स की बात करते हैं बच्चों, इनवर्स मतलब क्या, इनवर्स मतलब क्या, देखो यहाँ पे आपको W जो है Z की टर्म्स में दिया गया है, इनवर्स मतलब कि आप ये फाइंड करें कि Z को W की टर्म्स में आप डिफाइन कर दें तो देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने इक्वेशन टू लिखी हुई है यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन टू, ये यहाँ तक करना पड़ेगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप तो इक्वेशन टू आ जाएगी आपकी, उसके बाद हमने क्या करना है
अब जेड को एक साइड रखना और डब्ल्यू की टर्म्स आपने राइट साइड ले जानी है, मतलब आप जेड को डब्ल्यू की टर्म्स में क्या करेंगे रिप्रेजेंट। पहले वाली अगर मैं एग्जैक्टली यही फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं, मतलब इन्हीं वेरिएबल्स में ए डी बी सी में, तो आप यहीं से कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे तो क्या है, हमने इन वेरिएबल्स को क्या नाम दे दिया था, कुछ और नाम दे दिया था, ए बी सी डी। तो ऐसा करें आप कि यहां से इसको मल्टीप्लाई करें एक बार, तो ये बन जाएगा सी सी जेड डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है, और इक्वल टू में क्या है आपका ए जेड प्लस बी। तो आप क्या करें, जेड वाली टर्म्स को एक साइड कर लें, तो ये बन जाएगा सी जेड डब्ल्यू माइनस ए जेड, ठीक है, और राइट साइड ले जाएं आप इसको बी माइनस डी डब्ल्यू, ठीक है। तो यहां से जेड कॉमन ले लें आप, तो जेड जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सी डब्ल्यू माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस डी डब्ल्यू। तो मैंने z को निकालना है w की टर्म्स में, तो z क्या बना आपका b माइनस डी डब्ल्यू अपॉन सी डब्ल्यू माइनस ए। अगर हम देखें ध्यान से इसको, अगर इसी फॉर्म में एग्जैक्टली हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो आप न्यूमिनेटर से और डेनोमिनेटर से आप माइनस कॉमन ले लें, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वो क्या फॉर्म देके जाएगा हमें, डी डब्ल्यू माइनस ए अपॉन माइनस सॉरी ए माइनस सी डब्ल्यू, या आप इसको ऐसे ही लिख के रखें, क्या इस फॉर्म में बनानी है, तो ये क्या रहेगी आपकी जेड कॉमन सी डब्ल्यू माइनस ए, और इसको ऐसे लिख दें आप कि माइनस डी डब्ल्यू और प्लस बी, ऐसे लिखें आप इसको, ठीक है। मतलब हमने डेनोमिनेटर और न्यूमिनेटर से माइनस कॉमन नहीं ली, यहां पे क्या किया आपने, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, क्या कि माइनस डी डब्ल्यू पहले लिख दिया, प्लस बी बाद में लिख दिया, और सी डब्ल्यू माइनस ए। अब चेक करें आप, देखो दिस इज अगेन सम कांस्टेंट, 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 ठीक है। तो ये क्या बन रही है, एग्जैक्टली वही फॉर्म बन रही है, डब्ल्यू जेड की टर्म्स में था तो अब जेड डब्ल्यू की टर्म्स में है, तो अगेन ये सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगी जो हमारी क्या कर रही थी, लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन कर रही थी, उसका इनवर्स भी सेम टाइप्स की प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करेगा, ऐसे ही तीन केसेस में ये डिफाइंड हो जाएगा। तो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि जो हमारा लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन के पास प्रॉपर्टीज होती है हमारी, वही की वही सभी प्रॉपर्टीज हमारी इनवर्स ऑफ लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन के पास होती है डियर स्टूडेंट्स। और एक चीज और मैं बता दूं आपको यहाँ पे, लास्ट है ये आपका, कि अगर मैं पर्टिकुलर कई केसेज में अगर ए डी माइनस बी सी हमारा वन आ जाए, ठीक है, ए डी माइनस डिटरमिनेंट हमारा वन आ जाए, तो हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को बच्चों क्या कहते हैं, नॉर्मलाइज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। देन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, देन वन इज कॉल्ड, वन को क्या बोलते हैं, वन इज कॉल्ड सॉरी नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक्स स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे, जो हमारे CSIR नेट दिसंबर 2011 में उसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है, और जून 2016 में भी सी मतलब कि 4.75 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम पढ़ेंगे कि अगर कोई मैपिंग है वो पर्टिकुलर उसके पास किस टाइप की प्रॉपर्टी है, तो वो अपर हाफ प्लेन को किस कंडीशंस में अपर हाफ प्लेन में मैप करेगी, या फिर राइट हाफ प्लेन को आपकी वो लेफ्ट हाफ प्लेन में, या किसी यूनिट डिस्क को यूनिट डिस्क में कब रिप्रेजेंट करेगी, वो सभी केसेस हम वन बाय वन बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। तो वो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज उस वीडियो को स्किप ना करें, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है मेरा CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा डियर स्टूडेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, और कमेंट जरूर करके बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है।